हिंदुत्व पर तीर घाव गंभीर। आज इसी पर हम हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। दरअसल आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। उन मुद्दों में महंगाई और किसानों से लेकर पेपर लीक और अग्निवीर भी शामिल है। हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, कौन कितनी बार उठा उनकी बातों पर इधर से जवाब देने के लिए। राहुल गांधी ने संसद में हिंदुत्व को लेकर भी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत और असत्य असत्य की बात करते हैं। उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में ही हस्तक्षेप किया, कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। अब राहुल के बयान पर सियासत तेज है। बीजेपी राहुल गांधी पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर बयान दिया है, हिंदुओं पर नहीं। आइए आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे। लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आगे खुद ही कह देता है, ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्य में जयते, ना डरो ना डराओ। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको नाम नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो, मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्त धून करना, सारे नियम इनके इनको लागू नहीं होते हैं, नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख।
ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए, एवं सभी सदस्यों का आपसे विनंती है संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखे है उसकी पालन करें और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो, यह आपसे अपेक्षा की जाती है। तो सदन में आज जो कुछ हुआ हमने आपको सुनाया है। वैसे तो सुधांशु त्रिवेदी सांसद प्रवक्ता बीजेपी के कुछ ही देर में हमारे साथ शामिल होने वाले थे लेकिन वो बैठे दिख रहे हैं इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं किरण रिजिजू, अश्विनी वैष्णव और सुधांशु। तथ्य क्या है वो जानकारी उनकी होनी चाहिए, इसलिए ये सत्यापन करने का हमारा उनको ये कहना, आज हमने जो मांग की है हाउस में वो सही मांग की है और हम अध्यक्ष जी ने उसका सपोर्ट भी किया। देखो बहुत ही स्पष्ट एक दिखाई दे रहा था, चाहे एक कोई भी विषय आप ले लो, कहीं पर भी श्रीमान राहुल गांधी ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया, कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्टिव जो ऑपोजिशन का रोल होता है वो नहीं किया। नीट के बारे में उन्होंने कोई बात की ढंग से कि नीट की जगह ऐसा होना चाहिए, अग्निवीर का अगर उन्होंने कोई सोल्यूशन दिया होता तो बात थी। वो दलित की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में दलित एक लिकर ट्रेजेडी में 53 दलित या 54 दलित उनका देहांत हुआ, उसके बारे में उन्होंने कोई बात की? समाज की जो प्रॉब्लम्स को ऑपोजिशन के लीडर के हिसाब से उनको रखना चाहिए एक सॉल्यूशन के आधार पे, एक कंस्ट्रक्टिव वे में, ऐसा उन्होंने किया क्या? नहीं, उन्होंने केवल एक फ्रिवलस वे में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन स्टेटमेंट्स की सत्य उसके पीछे तथ्य क्या है उसकी भी उनको जानकारी नहीं। सवाल वो नहीं है, नहीं नहीं, यू आर राइट। हमारा ये मानना है कि सदन नियम से चलता है, यही कहा है। बाहर में आप क्या कर रहे हैं हम उसको नहीं कह रहे हैं, सदन के अंदर में हम नियम से बांधे हुए हैं। अब जब नियम कहते हैं कि आप किसी भगवान का चित्र को वहां दर्शा के उसके इंसल्ट करने का, इन्फ्लुएंस करने का अधिकार नहीं है, ये तो रूल बुक में कहा गया है। और वो जिस तरीके से सुधांशु जी ने जैसे बताया, भगवान का चित्र को ऐसे उठाते फिर नीचे फेंक देते हैं टेबल में, इस तरह का जो वो बिहेवियर, जो आचरण था वो बहुत आपत्तिजनक था, ये प्रॉपर नहीं है। एक लाइन मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो लोग सिंगोल को ससम्मान स्थापित करने का विरोध इस आधार पे करते थे कि वो एक धर्म का प्रतीक है, वो चित्र के ऊपर इस ढंग से असम्मान तरीके से लाने पे पक्ष में, तो ये बहुत अच्छी था। सर सर एक एक के सवाल है कि ये कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुओं के बारे में बोला है बीजेपी की तरफ उनका इशारा, तो वो पूरे समाज की बात नहीं कर रहे, उसको कैसे देखते हैं? बीजेपी ने कहा, हमने बता दिए, बीजेपी ने कहा उन्होंने हिंदू का, सुशील शिंदे और उस जमाने से लेके आज तक जब ये सत्ता में थे ढेर सारे उदाहरण है। आज सिंपल है, स्टेटमेंट देख लीजिए तो मीडिया में है, उन्होंने बीजेपी ने कहा हिंदू सोच, उन्होंने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कहा, इरेडिकेशन ऑफ बीजेपी ने कहा। थैंक यू, थैंक यू। क्या चीज का? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हिंदू। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की खत्म हो गई है, सुधांशु त्रिवेदी वहां से निकले हैं, मुझे लगता है कि अब कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ जाएंगे। प्रवक्ता बीजेपी के सांसद भी, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रतन शारदा लेखक और आरएसएस चिंतक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए कुछ और हिस्से जो हैं आज जो टकराव हमने देश की संसद में देखी उसके कुछ हिस्से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करें। बात, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुके। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप
इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी, जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो, मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रह पूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाए। नो प्लीज बात सुनिए, आसन पर सभी दल के प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। आइए आपको जल्दी से सुना देते हैं, योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं ये हिंदुओं का अपमान है, प्रियंका वाड्रा गांधी कह रही है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए नहीं बीजेपी के लिए कहा था, जल्दी से सुन लीजिए। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे, भारत की मूल आत्मा को लोहलुहान करने जैसा है। भारत माता के लोहलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए से राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने, उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने, उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है।